भारत का अर्थ है भारत। भाव मतलब संवेदना, क्योंकि अभी आपके जीवन का सारा अनुभव इंद्रियों पर है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, ये अलग अलग तरह की संवेदनाएं हैं। भाव यानी संवेदना, भावनाएं इसी से उमड़ती हैं। रा मतलब राग या धुन। धुन आपकी नहीं है, इस सृष्टि की अपनी ही एक धुन है। अब आपको बस लय मिलानी है, यानी ताल। अगर आपने ठीक से ताल मिला ली तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अगर आप ताल चूक गए तो जीवन प्रक्रिया आपको रौंद डालेगी। तो हमने इस राष्ट्र को पुकारा भारत। क्या तब हमसे गलती हो गई कि हमने भारत का नाम बदलकर इंडिया रख दिया? बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी, जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, चाहे कोई भी आक्रमणकारी हो, सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो आपका नाम बदल देते हैं। ये हावी होने की टेक्नोलॉजी है, ये गुलाम बनाने की तकनीक है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास को देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया जाता था, बंदरगाह पर ही पहला काम ये होता था, उनके नाम बदल दिए जाते थे। हमारे साथ भी यही किया गया है। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम हो गया है, चेन्नई मैड्रास हो गया है। हमें नहीं पता कि हम मैड थे कि रास्कल। इसी तरह इंडिया, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एक अर्थहीन नाम दे दूं तो आप मेरे सामने एक अर्थहीन बेवकूफ व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि मेरा एक अर्थपूर्ण नाम है, मेरी एक परंपरा है, मेरी एक सभ्यता है, आपका कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम इंडिया बन गए हैं। सबसे पहली बात कि देश की अवधारणा हर किसी के मन में रच बस जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र बस एक विचार होता है। जब ये विचार आपके मन में प्रज्वलित होकर दिल में बस जाता है और आपका ये भाव सर चढ़कर बोलता है, तब जाकर आपका सच में एक देश बनता है, नहीं तो देश बस एक कागज पर होता है। ये हमारी आज की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। तो कम से कम जब वो 1947 में गए तो पहली चीज हमें ये करनी चाहिए थी कि नाम बदल दिया जाता, और इस तरह बदला जाता कि ये किसी ना किसी तरह हर किसी के मन में गूंजता। अभी आप अंग्रेजी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में मुश्किल से 2-3% लोग ही ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस देश का नाम बदल के कुछ ऐसा रखना चाहिए कि ये सबके दिल में धड़के। मैं जानता हूं कि बुद्धिजीवियों की एक पूरी भीड़ कहेगी कि नाम में क्या रखा है। अच्छा, खुद को टोबू बुलाइए। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, जो हम बोलते हैं वो बस एक ध्वनि है। इसका अर्थ सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चीज है, एक सामाजिक चीज। ध्वनि का अपना अस्तित्व होता है और इसमें शक्ति होती है। भारत में शक्ति है, ये शक्ति इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों से होकर गूंजनी चाहिए।